टू टेक एडमिशन प्रोफेशन एज एन एडवोकेट हलाल एडवोकेट का अगर उसमें आप झूठ ना बुलवाए झूठी ओथ ना दिलवाए तो यह हराम पोष है, है।, तो है वकील जो है विकालत वो तो कारोबार में भी किसी का वकील हो सकता है कोई और इसी तरीके से किसी के मुकदमे को पेश करने के लिए कानून से आप वाकिफ़ नहीं हैं कानून आपको क्या क्या रियायतें देता है उसको जो जानते हैं वो उसे इस्तेमाल करें आप उन्हें फीस दें ठीक है लेकिन ये कि इस पेशे के अंदर समझा ये जाता है कि झूठ बोले और बुलवाए बगैर इसका काम चल ही नहीं सकता तो ये बात दूसरी है बिल्कुल अगर ऐसा है लेकिन अगर कोई आदमी जो है झूठ बोले और बुलवाए बगैर अगर वकालत का काम करता है तो उसके लिए जायज है एक स्टेज पर आकर तो मैं समझता हूं ये मुमकिन हो जाता है जब आप अपीलेट कोर्ट्स के अंदर अपियर होने वाले हो जाते हैं हाई कोर्ट में और और सुप्रीम कोर्ट में इसलिए कि नीचे मुकदमा बन चुका है फाइल बन चुकी है झूठे सच्चे गवाह जो भी आ गए आ गए अब तो आपको तो उसी फाइल की बुनियाद पर जो है वो केस लड़ना है लेकिन जाहिर बात है कि उस मकाम तक पहुंचने के लिए जिन सीढ़ियों को तय करना पड़ता है उसके अंदर आमतौर पर यही कहा जाता है कि झूठ के बगैर गुजारा नहीं